गाइस, वेलकम बैक। समर आ गया और इंडिया में बहुत गर्मी हो रही है। यूएस में भी काफी हद तक मौसम ठीक हो गया है, तो समर का टाइम है, तो लोग अभी अपने घर में, घर के बाहर फूल और पौधे लगाना चालू हो गए हैं, क्योंकि यही मौसम होता है जब आप ऐसे प्लांट कर सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं पॉटिंग मिक्स लेने, यानी कि पॉट यानी कि गमला। तो गमले में जो भी पेड़ पौधे या फूल लगाने होते हैं उसके लिए अलग से पॉटिंग मिक्स आता है, और जो जमीन में पेड़ पौधे या वेजिटेबल लगाते हैं उसके लिए अलग से सॉयल और खाद आती है। यहाँ पर ऐसे तो कहीं मिलती नहीं है, स्टोर पर जाकर ही लेना पड़ता है वो सारी चीज़ें। तो अलग अलग चीज़ें हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि लाइक पूजा ने बताया समर आ गए और ये सब चीज़ें लगाने का मौसम आ गया है, और एक दो महीने बाद उनको एंजॉय करेंगे। तो पॉटिंग मिक्स और सॉयल लेने से पहले हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी लेने। पहले कॉफ़ी ले लेते हैं, थोड़ा सा मूड लाइट करते हैं। एक्चुअली घर से बाहर आने के बाद ना सबसे पहला जो क्रेविंग होता है वो होता है कॉफ़ी का, कि तभी दिमाग चलेगा कि क्या चाहिए क्या नहीं। सबसे पहले कॉफ़ी, हम पहुंच गए कॉफी ड्राइव थ्रू से लेंगे। हाय, कैन आई हैव मीडियम कॉफी विद क्रीम एंड टू स्प्लेंडर इन इट? मीडियम कॉफी इज करेक्ट। ऑलराइट, थैंक यू। जाने अभी यहां से ड्राइव थ्रू से कॉफी ऑर्डर की है, और हम वहां पर उनकी विंडो पर पेमेंट करेंगे और वहां से कॉफी लेंगे। सो विच 290 फॉर टुडे। ये विंडो खुल गई अंदर से, पूजा ने क्रेडिट कार्ड दे दिया, ये पेमेंट लेगा और उसके बाद कॉफी। तो जो ड्राइव कर रहा होता है उसकी ड्यूटी होती है कि कॉफी लो और बिल पे करो। थैंक यू। ये पूजा ने ट्राई की कि कॉफी हॉट है कि नहीं है, हॉट नहीं होती तभी वापस करके फिर और दूसरी नई वाली लेती है। तो ये है वॉलमार्ट स्टोर, और हम जा रहे हैं होम एंड लिविंग में। वो अंकित है, आज अंकित का क्रिकेट मैच था, बहुत आई थिंक 1-1.5 साल बाद आज अच्छे से गेम हुए, तो आज उसके पैर में हल्का सा दर्द हो रहा है। आज सीजन का पहला क्रिकेट गेम था, प्रैक्टिस तो की थी थोड़ी, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा रन बनाए और विकेट भी लिए, तो बहुत मेहनत हो गई। तो सबसे पहले हम काट लेंगे और मंदिर जाएंगे। एंट्री पर ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पे होम से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, फार्मेसी भी है, मेडिकेशंस भी मिलते हैं, ये सब भी है यहाँ पे। सैंडविच है, हाँ सब सैंडविच है, एंड प्लांट्स भी मिलते हैं। सीज़न पे भी बहुत डिपेंड करता है कि क्या कौन सा सीज़न है। अगर स्नो का सीज़न है, ठंड है, तो वहाँ पे स्नो वाले इक्विपमेंट्स, स्नो वाली चीज़ें मिलती हैं। अभी समर है तो फूल प्लांट सब कुछ मिल रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत है। यह अंकित ले रहा है कॉर्न, भुट्टे हैं, फ्रेश कॉर्न है, ये नेब्रास्का है जो फेमस है, इसको कॉर्न हस्कर स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्रॉप होती है वो कॉर्न होता है यहाँ पर। तो इतने सारे हमने कॉर्न ले लिए, इनको ग्रिल करेंगे, और ये एक कॉर्न है, एक भुट्टा है 64 सेंट्स का। यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स हैं फ्रोजन एंड फ्रेश। हमें धनिया भी चाहिए अंकित, तो ये धनिया है जो हमें धनिया भी चाहिए, तो हम ये भी ले रहे हैं, और ये है 98 सेंट्स का। मिल गए, ये धनिया कितने का है? 75 रुपये का एक। 98 सेंट्स का, हाँ 75 रुपये, हाँ एग्जैक्टली। ये देखिए स्वीट अनियन, अनियंस के रूट्स हैं जो ऐसे, ये पीला वाला, एक्चुअली प्याज भी 2-3 तरीके के आते हैं, तो ये जो ये है जो ये येलो है ना, स्वीट अनियन है, हाँ येलो, और ये वाइट है, वाइट है, और ये है रेड वाला इटालियन जिसको बोला जाता है यहाँ पर, हाँ है $4.28 का इतना ये वाला, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली, बहुत सारे लग जाएंगे। इसी में ये छोटे छोटे पॉट्स हैं, ये हैंगिंग पॉट है, इसको ऐसे लटका सकते हैं बांध के, और ये सारे हैं। ये सिर्फ समर में आते हैं, विंटर में एक दो पीस रहते हैं, बट समर आते ही ये सारी चीज़ों से स्टोर्स भर जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें, सारी गार्डन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये ग्लव्स है गार्डनिंग करने के लिए, ये आप लोगों ने देखा होगा बड़ी वाली कैंची बड़ी डालियाँ काटने के लिए, हाँ। ये कुछ है पता नहीं किस के लिए यूज होता है। सारी गार्डनिंग की चीजें मिलेंगी आपको, जो यू कैन गेट व्हाट यू थिंक ऑफ।
गार्डन की डेकोरेशन करने के लिए ये सब आवाज़ें करती हैं, बड़ा अच्छी। क्यूट, ये लाइट्स हैं सारी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। ये एक चीज़ है जिसको आप हैंग कर सकते हो, ये जो है ये सूखी घास या जो भी होती है उस चीज़ का मटेरियल का बनाया, तो पानी टिकता नहीं, पानी नीचे चला जाता है, और ये इस टाइप से इसको ऐसे लगाते हैं। ये देखिए ये स्टाइल है इसका, और ये एक गोल टाइप का है यहाँ पर, ये हैंगिंग बास्केट जैसा है, क्यूट है बहुत। हम ये ले लेते हैं, ये चाहिए हमको, जरूरत है। एक और आइडिया डेकोरेशन का, इसको घर के अंदर भी अगेन और बाहर भी गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिज़ाइन डिज़ाइन का आइडिया है, बहुत सुंदर लग रहा है, और हम इसे ले रहे हैं। और ये हैं पानी देने वाले पाइप्स, जनरली लोगों के यहाँ स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, बट जिनके यहाँ नहीं होते हैं वो इससे काम चलाते हैं। ये है टिप नोजल है ये, है ना, जेट स्प्रे। थोड़ा बहुत पानी देना हो आपको गमले वमले में, तो उसको इसको यूज करके लेजम में, यानी कि होस से, लेजम को यहाँ पर होस से बोला जाता है। यहाँ पर स्प्रिंकलर यानी कि घर के आगे भी काफ़ी जगह होती है, पीछे भी जगह होती है, और ग्रास होता है सब जगह में, तो उसको पानी देने के लिए परमानेंटली एक सिस्टम लगाया जाता है, जो कि लाइक यू नो स्प्रिंकलर फुब्बारे जैसा होता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी सारी जगह लगता है, उस सिस्टम को स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ हमको मिल गई टर्फ बिल्डर। ये टर्फ बिल्डर यानी कि जब इसको ज़मीन पर डालते हैं तो उससे ज़मीन थिक होती है, और जो वीड होती है यानी कि ये जो सारे बेकार के पेड़ पौधे घास के अलावा जो होते हैं वो इनको किल कर देता है। और इस तरफ है ग्रास सीड्स, तो ये ग्रास सीड्स है, नॉर्मली विंटर से पहले और समर से पहले डाला जाता है, काफ़ी पानी देना पड़ता है, तो ये इस टाइप की ग्रास आती है। मिल गया हमको वो जो हम लेने आए थे, पॉटिंग मिक्स यानी कि गमले वाली खाद और मिट्टी। तो ये सिर्फ आप पॉट में यूज कर सकते हो, बाकी की जो खाद आती है वो जमीन में भी होता है, हर किसी पे लिखा रहता है, हर पैकेट पे, इस पे जैसे लिखा हुआ है पॉटिंग ओनली पॉट फॉर। तो मेरे पास जो अभी जो हमने फूल के हम जो सीड्स लेने वाले हैं वो हम पॉट के लिए स्पेशली अभी ले रहे हैं, क्योंकि मौसम उतना अच्छा नहीं हुआ है कि ग्राउंड में अभी लगा सके, तो हम पॉट से शुरू कर रहे हैं, फिर ग्राउंड में पहुंचेंगे कुछ टाइम बाद। और ये है आउटडोर गार्डन, हाँ, ये है मिंट। तो आपको अगर सीड्स बीज लेने तो बीज ले लीजिए, वरना यहाँ पर ये छोटे छोटे पौधे भी मिलते हैं, उनको जाके सीधे डायरेक्टली अपने रेस बेड पे या पॉट में लगा दीजिए। ये फूल हैं, ये रोज हैं, रोज में भी कई टाइप हैं, एक खुशबू वाला होता है, एक बिना खुशबू वाला होता है, कलर अलग होते हैं, तो टाइप्स बहुत बहुत हैं, किसी का साइज बड़ा और बहुत बड़ा हो जाता है 6 फीट तक, कोई छोटा रहता है। हमको मिल गया ये पॉटिंग मिक्स और सॉइल, ये इसमें दोनों मिक्स है, हमको दोनों अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, हम ये लेने वाले हैं। इसमें पॉटिंग यानी कि खाद, पॉटिंग मिक्स खाद और सॉइल यानी कि मिट्टी, दोनों चीज़ें हैं। तो ये जो है वो इन ग्राउंड सॉइल, तो अगर आप अपने बैकयार्ड में लगाना है तो ये वाला यूज़ होता है। और एक्चुअली पॉटिंग भी जो भी ये खाद आता है वो भी टाइप का होता है ना, कुछ गोबर से बना हुआ होता है, कुछ लकड़ी को सड़ा के बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ, ये हमने नहीं खोला है, ऑलरेडी खुला हुआ था। ये जो पॉटिंग मिक्स है वो इस टाइप का है, तो इसमें खाद, लकड़ी और सॉइल सारी चीजें हैं। ये हम लेने वाले हैं ये वाला, हम लेकिन सीड लेके जाएंगे इसका, जैसे हमें ज्यादा ज्यादा मतलब फूल चाहिए ज्यादा एरिया में लगाने के लिए। बहुत सारे फूल है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेट फ्लावर या फूल है। मुझको तो लिली और रोज दोनों पसंद है। ये घास है, इसको ऐसे घर के साइड से लगाते हैं जनरली लोग, जैसे मिट्टी, बारिश जब होती है तो मिट्टी कटने से बच सके, कट के बहे ना। ये छोटा ट्रैक्टर है, नीचे ये मूव करता है, मूव करता है, मूव मतलब घास काटना है ना। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग 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 चीज़ें। ये देखो रोज का अलग से फूड, तो रोज का प्लांट लगाया है तो ये वाला फूड डालिए। ये नॉर्मल अलग अलग टाइप का प्लांट फूड है, ये शेक करके डाल दीजिए नॉर्मल, सबका एक ही यूज करना है तो। ये टमाटोज, वेजिटेबल, हर्ब, फर्टिलाइजर, ये सब्जियों के लिए अलग अलग टाइप की, हर चीज़ के अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं। और ये देखो पूरे मुझे क्या मिला, क्या चीज़ है, स्नेक रेपेलेंट, तो अगर सांप आते हैं घर में नहीं बैकयार्ड में तो ये डाल दीजिए, उसके बाद सांप आपके बैकयार्ड में नहीं आएंगे, मे बी खुशबू होगी कुछ उससे सांप।
और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अगर आपके एरिया में सांप होते हैं तो आपकी कम्युनिटी जो होती है, आपकी कम्युनिटी का टेक केयर करने वाले जो भी होते हैं, वो आपको पहले से बता देते हैं कि इस एरिया में सांप देखे जाए गए हैं या जा सकते हैं, तो लोग अवेयर रहते हैं। माउस और रैट चूहों को, खरगोशों को भगाने के लिए ये होते हैं, रैट होते हैं यहाँ पर गार्डन में और बैकयार्ड में। रैट और रैबिट दो चीज़ें आपको आए दिन मिल जाएंगी। तो अब हम जा रहे हैं चेकआउट के लिए क्योंकि हमने अपना सामान ले लिया है। अभी हम आज इससे काम करेंगे और जो भी ज़रूरतें होंगी उस हिसाब से हम आज बाद में लेते रहेंगे। तो चेकआउट के लिए मतलब बिल करने के लिए भी दो ऑप्शन है, या तो आप खुद कर सकते हो या फिर वहाँ पे कैशियर उस तरफ में रहते हैं, उनसे भी आप ऐसे बिल करा सकते हो। तो वहाँ पे जनरली लंबी लाइन होती है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि खुद ही बिलिंग कर लें। तो अभी अंकित बिलिंग कर रहा है। तो ये था हमारा वीडियो रिलेटेड टू गार्डनिंग, यहाँ पर यूएस में गार्डनिंग कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं उसको करने के लिए, और थोड़ा गार्डनिंग और बाकी चीज़ों से रिलेटेड इंटीरियर डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ भी हमने आपको दिए, दिखाए यहाँ पर कैसे वो किया जा सकता है, आप भी वहाँ पर कर सकते हैं इंडिया में जहाँ आप भी हों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बने रहे हमारे साथ। आने वाले वीडियोस में हम लेकर आएंगे कुछ नया एक्साइटिंग, और ये ड्राइवर को गाड़ी चलाने पे ध्यान दीजिए, हमको आपसे और भी आगे मिलना है इसीलिए इसको बोल रहा हूँ कि ड्राइवर गाड़ी चलाने पे ध्यान दीजिए। हाँ, ड्राइविंग करते हुए वीडियो ना बनाए और फोन पे भी बात ना करें। हाँ, तो फिर हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।